आज हर ओला कंज्यूमर यही सवाल पूछ रहा है ओला इलेक्ट्रिक से, भाई चाहते क्या हो? अब ऐसा क्यों, समझाता हूँ इस पूरे वीडियो में। सबसे पहली चीज, ओला ने एक इवेंट किया था बहुत टाइम पहले, उसके अंदर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अपना ओला S1 Air 2.5 किलोवाट आवर, जिसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस थी 79,999 रुपीस, जिसको थोड़े टाइम बाद बढ़ा के कर दिया था 84,999 रुपीस। ओला S1 Air का ये वेरिएंट था 2.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ, लेकिन थोड़े ही टाइम बाद 9 फरवरी 2023 को ओला का एक और इवेंट होता है। इस इवेंट के अंदर ओला S1 Air के 3 वेरिएंट लॉन्च किए जाते हैं, 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ, 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ और 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक का प्राइस था 84,999 रुपए, 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक का प्राइस था 99,999 रुपए और 4 किलोवाट आवर बैटरी पैक का प्राइस था 1,09,999 रुपए। तो अब जिन्होंने 2.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक इंट्रोडक्टरी प्राइस में परचेस किया था या फिर बुक किया था, उन लोगों को ओला की तरफ से अनाउंस किया जाता है, उन लोगों को हम फ्री में अपग्रेड करके देंगे 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक। ओला कंज्यूमर्स भी खुश थे, मैं भी खुश था, क्योंकि मैंने ही बुक किया था, मैंने कहा 2.5 की जगह 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक मिलेगा। फिर था क्या इंतजार, कि जुलाई तक का इंतजार करना है। हमने भी इंतजार किया, आपने भी इंतजार किया होगा जिन्होंने बुक कर रखा है। और उसके बाद अभी रिसेंटली अनाउंस होता है कि प्राइस इंक्रीज हो चुकी है और अब जो प्राइस है वही प्राइस आपको पे करना होगा अगर आपको परचेस करना है तो, अदरवाइज आप रिफंड ले सकते हो। अब भाई इतना इंतजार करने के बाद आपको ये कहा जाता है कि आपको 1,10,000 रुपये में लेना होगा या फिर आप अपना रिफंड ले सकते हो, तो ये यार उन सभी कंज्यूमर के साथ नाइंसाफी लगती है। आपको क्या लगता है कमेंट में बता देना। और अगर आपके पास ओला S1 या फिर S1 Pro है तो आप हमारा चार्जर ऑर्डर परचेस कर सकते हो, जो कि आपको मिल जाएगा अमेजन फ्लिपकार्ट के ऊपर और हमारे इस नंबर से। ये चार्जर ऑर्डर आपके चार्जर को सेफ रखेगा, आपके चार्जर को हीट होने से बचाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर दोनों साइड प्रॉपर वेंटिलेशन दिया है ताकि एयर पास इजीली हो सके। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, AM का लोगो देख कर ही लेना है अगर आप Amazon Flipkart से लेते हो और हमारे नंबर से लेते हो, तो कम प्राइस के अंदर आपको बिना किसी टेंशन के आपके घर पे होम डिलीवरी फ्री में दी जाती है। बाकी अभी बढ़ते हैं अभी रिसेंटली जो प्राइस अनाउंस हुआ है उसके ऊपर, और ये प्राइस इंक्रीज क्यों हुआ है इसके ऊपर। वैसे तो आपको पता होगा प्राइस इंक्रीज क्यों हुआ है, क्योंकि फेम टू सब्सिडी के अंदर जो चेंजेस हुए हैं, जो पॉलिसी चेंजेस हुए हैं, 40% से घटाकर 15% जो कैप किया है, इसकी वजह से प्राइस चेंजेस हुए हैं। और इसी वजह से इन्होंने बाकी वेरिएंट बंद करके सिर्फ एक ही वेरिएंट रख दिया है, वो है ओला S1 Air 3 किलोवाट आवर। तो अब जितने भी लोगों ने इससे पहले ओला S1 Air 2 किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर, 4 किलोवाट आवर या फिर 2.5 किलोवाट आवर परचेस कर रखा था या बुक कर रखा था, तो उन सभी लोगों को अभी अपने व्हाट्सएप के ऊपर, अपने टेक्स्ट मैसेज के ऊपर एक मैसेज आता है। मैसेज क्या है कि ओला कंपनी ने 2 किलोवाट आवर को डिसकंटिन्यू कर दिया है, 4 किलोवाट आवर को कैंसिल कर दिया है, अब आएगा सिर्फ 3 किलोवाट आवर बैटरी पैक। तो जो भी प्राइस डिफरेंस है वो आपको प्राइस डिफरेंस पे करना होगा या फिर इसी प्राइस में आपको परचेस करना होगा। और अगर आप नहीं परचेस करना चाहते हो तो जितना भी अमाउंट आपने ओला इलेक्ट्रिक को पे किया था उतना अमाउंट आपको रिफंड हो जाएगा। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि ओला इलेक्ट्रिक ने अभी क्या किया था, 31 मई तक सेल किया कि आप अगर परचेस करते हो अभी और 31 मई तक आपका अगर RTO फेम टू सब्सिडी का OTP जो है वो आ जाता है तो आपको पुराने प्राइस में मिल जाएगा। और अगर आपके पास OTP नहीं आते हैं, अगर आपकी फेम टू क्लेम नहीं हो पाती है, तो आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और ऐसा काफ़ी सारे कस्टमर्स के साथ हुआ है, काफ़ी सारे कंज्यूमर्स के साथ हुआ है जिन्होंने ओला S1 Pro परचेस किया था, ओला S1 परचेस किया था, उन लोगों को भी एक मैसेज पॉपअप हुआ है। उस मैसेज के अंदर क्या आ रहा है कि आप अब जो 15,000 रुपये एक्स्ट्रा है वो पे कर दो तो आपका जो स्कूटर है वो हम डिलीवरी के लिए प्रोसेस में ला देंगे। अब सवाल ये आता है, क्या इसमें गलती किसकी है, क्या कंज्यूमर्स की गलती है या ओला इलेक्ट्रिक की गलती है? तो देखो, इसके अंदर गलती किसी की भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी वो चेंज हुई, पहले पॉलिसी थी 40% कैप वाली, वो घटके हो गई 15% कैप। तो कंपनी भी क्या करे, कंपनी को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब आधा कंपनी खुद बाय कर रही है, आधा कंपनी कंज्यूमर पे दे रही है, अदरवाइज प्राइस 30-40,000 रुपये बढ़ सकते थे। लेकिन कंपनी ने कितना डिफरेंस किया है ओला S1 Air पे 10,000 रुपये का, ओला S1 Pro और ओला S1 के ऊपर 15,000 रुपये का, जो कि मुझे लगता है एक सही है, जस्टिस है कस्टमर्स के साथ। बाकी कहीं कहीं उन कस्टमर्स के साथ धोखा भी है जिन लोगों ने इतने टाइम इंतजार किया था। अगर ये चीज़ पहले क्लियर हो जाती तो वो कस्टमर्स ओला S1 या फिर S1 Pro पुराने प्राइस में ले सकते थे। आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरीके के EV कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और ये जरूर बताना, क्या EV की जो सेल्स चल रही थी इतने टाइम तक, उसमें गिरावट आएगी क्या इस प्राइस चेंज के बाद? मुझे तो लगता है बिल्कुल आएगी। जो मई में सेल्स हुई है उसकी हाफ हो सकती है जून के अंदर। तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। Thank you.